हेलो एवरीवन, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 15 प्लस लमसम मैं आपको 20 ऐसे खूबसूरत पत्तियों वाले पौधे का नाम बताऊंगी जिनको आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत से लोगों को खूबसूरत पत्तियों वाले पौधे अपने गार्डन में ऐड करना पसंद है, तो अगर आपको भी पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। और आपको मैं बहुत सारे प्लांट्स के नाम बताने वाली हूँ, इनको आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और किस तरह से हम इसे प्रोपिगेट कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्लांट है एंथोरियम का प्लांट। इस प्लांट की जो लीव्स होती हैं, आप देख सकते हैं कि जब फुल सनलाइट में रहती हैं तो कुछ इस तरह से पर्पल कलर की, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये जो प्लांट है, ये कटिंग से ईजिली ही ग्रो हो जाता है, तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे जो प्लांट है, ये पर्पल हर्ट का प्लांट है। इस प्लांट में छोटे छोटे से पर्पल कलर के जो फ्लावर्स हैं वो भी खिलते हैं, लेकिन ये जो प्लांट है ना, ये अपनी पत्तियों की वजह से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हैं इसमें डार्क पर्पल कलर की पत्तियाँ निकलती हैं और फ्लावर्स भी साथ में निकलते रहते हैं। ये प्लांट भी छोटी छोटी कटिंग से ईजिली ही ग्रो हो जाता है। आप इसकी छोटी सी भी कटिंग किसी भी पॉट में लगा देंगे, बहुत ही जल्दी इसके बहुत सारे प्लांट्स आपके पास तैयार हो जाएंगे और बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। छोटी सी कटिंग लगाएंगे, कुछ ही टाइम के बाद ये आपके पूरे पॉट को फिल कर देगा और आपका जो गार्डन है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो ये पर्पल कलर की लीव्स वाले प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और साथ ही साथ समर में इसमें बहुत ही ज़्यादा देख सकते हैं छोटे छोटे से पिंक कलर के फ्लावर्स भी निकल रहे हैं। नेक्स्ट है एग्लोनिमा का प्लांट। आप देख सकते हैं ये मेरे पास पिंक एग्लोनिमा का प्लांट है और इसकी जो लीव्स होती है ना, वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मैंने अपने प्लांट को थोड़ा सा सनलाइट में रख दिया था जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आती है, जिसकी वजह से जो लीव्स है ना वो थोड़ी सी बर्न हो गई। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा शेडी एरिया में रखते हैं जहाँ पर मॉर्निंग की सिर्फ धूप आती है, तब इसके जो प्लांट है ना, इसमें फ्लावर्स बहुत अच्छे निकलते हैं। ये मेरे पास एक और प्लांट है, ये ग्रीन एग्लोनिमा का प्लांट है। इसका ये बेबी प्लांट से ईजिली प्रोपिगेट हो जाता है। अगर आपके पास एक प्लांट है तो आप उसमें जब बेबी प्लांट्स निकलेंगे ना, तो उसे सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं। तो ये प्लांट भी लीफ वाले प्लांट से बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये इंडोर आउटडोर दोनों जगह रहता है, लेकिन इंडोर ये बहुत ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं करता है, तो थोड़ा सा इसको आउटडोर रखें जहाँ पर थोड़ी बहुत मॉर्निंग की जो सनलाइट है वो इसको मिलती रहे, तभी आपका जो प्लांट है वो लंबे टाइम तक अच्छे से सर्वाइव करेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कोलियस का प्लांट। कोलियस की तो बहुत सारे कलर के प्लांट आते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे पास मरून कलर का प्लांट है और ये विंटर का प्लांट है। विंटर में इसकी जो लीव्स होती है ना, उसके में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही बारिश का सीज़न स्टार्ट हुआ है ना, इसके जो प्लांट्स है वो फिर से हरे भरे हो गए। समर में जो प्लांट्स है ना, इसकी लीव्स थोड़ी थोड़ी बर्न हो रही थी, लेकिन अब इस समय इसमें फिर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इसकी पत्तियाँ निकलने लगी हैं। बहुत सारे कलर में ये आपको मिल जाएगा और छोटी छोटी कटिंग से भी ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। विंटर में तो इसमें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलर आते हैं, तो इस समय आप इसको कटिंग से ग्रो कर लीजिए। विंटर में आपके पास बहुत सारे इसके प्लांट भी तैयार हो जाएंगे और साथ ही साथ इसमें बहुत खूबसूरत कलर्स भी आने लगते हैं। तो अगर आपको पत्तियों वाले पौधे पसंद है तो आप इसे भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट है, ये है हमारा सिंगोनियम का प्लांट। सिंगोनियम के मेरे पास दो वैरायटी है, मतलब दो कलर के प्लांट है। एक ये वाला जिसमें रेड कलर के इस तरह से लीफ है थोड़ी सी, और एक है जिसमें ग्रीन कलर की पत्तियाँ। इस प्लांट को आप चाहें तो बेल की तरह भी ग्रो कर सकते हैं या फिर प्लांट में जिस तरह से मैं इसे कटिंग करके सिर्फ प्लांट में ही एक शेप दे के मैंने इसे रखा है। मैं इसे बेल की तरह ग्रो नहीं करती हूँ, क्योंकि ये प्लांट जो इतना फास्ट ग्रोइंग प्लांट है कि ये पूरे घर को ही आपके कवर कर लेगा। तो अगर आप इस प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं तो आप इसे सेपरेट करके इजली ग्रो कर सकते हैं। बेल की तरह जिस तरह से मनी प्लांट में छोटे छोटे से रूट्स निकले रहते हैं, उन्हें हम ग्रो करते हैं, सेम वैसे ही इस प्लांट को भी हम रूट से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है वंडरिंग जीव का प्लांट। वंडरिंग जीव की आप देख सकते हैं इसकी पत्तियाँ कैसे होती हैं। जब हम इसे थोड़ा सा शेडी एरिया में रखते हैं तब इसकी जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, लेकिन जब हम इसे फुल सनलाइट में रखेंगे तो जिसकी जो लीव्स है ना, वो थोड़ी सी डार्क पर्पल कलर की हो जाती हैं। तो इस प्लांट को भी आप छोटी छोटी कटिंग से ईजिली ही ग्रो कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी ये प्लांट बहुत ही अच्छा लगता है, या फिर आप किसी भी पॉट में, जिस तरह से मैंने इसे पॉट में लगा रखा है, इस तरह से पॉट में भी लगा करके ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ये देखिए, ये थोड़ा सा सनलाइट में रखा हुआ, जिसकी वजह से इसकी जो लीव्स है ना, वो थोड़ी सी पर्पल कलर की भी हैं और ग्रीन कलर की भी हैं। तो इस तरह से इस प्लांट को भी आप छोटी छोटी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और ये लीफ वाला जो प्लांट है ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मनी प्लांट। मनी प्लांट की जितनी भी वैरायटीज होती हैं सभी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। ये है एंजॉय मनी प्लांट। ये देखिए, इसमें भी जो लीव्स है उसमें अलग अलग वेरिएशन है। इस प्लांट को भी आप लीफ वाले प्लांट अगर पसंद करते हैं तो इसे भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये जब पॉट में मैंने लगाया, थोड़ा छोटा है, लेकिन जैसे इसे दीवार का थोड़ा सा सहारा मिलता है ना, जो इस
उसकी पत्तियाँ हैं उसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ये देखिए ये देसी वाली वेराइटी है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा वेरिएशन रहता है। और एक जो इसका एंजॉय मनी प्लांट था अभी जो मैंने आपको दिखाया उसमें अलग रहता है वेरिएशन, और एक नियॉन मनी प्लांट है उसकी जो लीव्स होती हैं वो पूरी ही ग्रीन कलर की होती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है रियो प्लांट। रियो प्लांट भी जो है ये लीफ वाला प्लांट है, आप देख सकते हैं इस प्लांट को भी छोटे छोटे से इसमें बेबी प्लांट्स निकलते हैं जिन्हें सेपरेट करके आप ग्रो कर सकते हैं। तो इस प्लांट को भी हम चाहें तो किसी भी पॉट में या फिर हैंगिंग बास्केट में भी इसे लगा सकते हैं, तो ये प्लांट बहुत ही जल्दी पूरे पॉट को भर लेता है। सिर्फ एक प्लांट आप इसका जो बेबी प्लांट है उसे कहीं किसी भी पॉट में लगा देंगे तो बहुत ही जल्दी उसके बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की ये देसी वैरायटी है, इसे भी आप एक सिंगल लीफ या फिर इसके बेबी प्लांट को सेपरेट करके इजली ग्रो कर सकते हैं। ये भी मनी प्लांट की ही एक वैरायटी है, आप देख सकते हैं इसे पेंसिल मनी प्लांट कहते हैं। इसकी आप देखिए इसमें ये जो इसकी जो पत्तियाँ हैं ना वो पेंसिल की तरह लंबी होती जाती हैं, इसलिए इसे हम पेंसिल मनी प्लांट कहते हैं। लेकिन जो वेरिएशन वाले जितने भी स्नेक प्लांट्स होते हैं उनकी जब हम पत्तियों सिर्फ पत्ती को जब ग्रो करते हैं ना तो उसकी जो उसमें पौधा निकले का उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आता है। तो अगर आपको वेरिएशन चाहिए तो आप उसको बेबी प्लांट से ही ग्रो करिए। तो ये जो प्लांट्स है ये वाला जो एक प्लांट है इसमें भी वेरिएशन आया हुआ, ये देखिए बहुत सारे इसकी एक और वेराइटी है मेरे पास जिसमें छोटे छोटे से ही स्नेक प्लांट जो है वो रहते हैं, ये वो वाला प्लांट है। तो स्नेक प्लांट की बहुत सारी वेराइटीज होती हैं ये देखिए। तो इसे भी आप अगर पत्तियों वाले पौधे पसंद करते हैं तो इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन का जो प्लांट होता है इसे भी छोटी छोटी कटिंग से इजीली ही ग्रो किया जा सकता है। इसकी छोटी सी कटिंग लीजिए और सिर्फ मिट्टी पे रख दीजिए, आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद आपका जो पॉट है वो पूरा इसी प्लांट से भर जाएगा। तो इस प्लांट को भी आप अगर पत्तियों वाला पौधा पसंद करते हैं तो इसे भी ग्रो कर सकते हैं, इसे हैंगिंग बास्केट में या किसी भी पॉट में आप लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ये सेडी एरिया का प्लांट है। नेक्स्ट है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को छोटे छोटे से इसमें देखिए रनर्स जो निकले हैं उसमें छोटे छोटे से इसके बेबी प्लांट्स निकले हुए, इनको बेबी प्लांट से भी आप ग्रो कर सकते हैं या फिर जो पॉट में इसके प्लांट्स निकलते हैं ना उसमें भी साथ साथ में इसके बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, उन्हें भी सेपरेट करके आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए ये रनर्स में बहुत सारे बेबी प्लांट्स हैं, तो आप इसके बहुत सारे प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉपर लीफ का प्लांट। ये देखिए इसकी जो लीव्स है इसमें भी वेरिएशन रहता है, और विंटर में जब इसे थोड़ा सा सनलाइट में रखते हैं तब इसकी जो पत्तियां होती ना वो और भी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, वो लाल रंग की और उसमें बहुत सारी वेरिएशन भी दिखती रहती है। इस टाइम भी इन पत्तियों में वेरिएशन है लेकिन थोड़ा सा इसका जो कलर है वो इस टाइम डल है, लेकिन जब विंटर आता है तब इसकी पत्तियों का जो वेरिएशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो मेरे पास इसके दो तरह के प्लांट है, एक ये वाला और एक और प्लांट है मेरे पास, ये देखिए इसमें थोड़े से ग्रीन कलर की, ये देखिए इसकी लीव्स जो है वो ग्रीन कलर की लेकिन इसकी भी पत्तियों में वेरिएशन होता है। तो ये भी प्लांट जो है ये पत्तियों वाले प्लांट भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये भी प्लांट छोटी छोटी कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है, आप चाहे तो इसे कटिंग से भी इजीली ग्रो कर सकते हैं अगर आपको इसकी कटिंग कहीं से मिल जाए तो। नेक्स्ट है अरेलिया का प्लांट। ये एक अरेलिया की एक वैरायटी है, मेरे पास इसके दो तरह के प्लांट है, आप इसकी लीफ को देख सकते हैं, इसकी लीफ जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ये भी छोटी छोटी कटिंग से ईजिली ही ग्रो हो जाता है, इसकी कटिंग कम से कम 4 से 5 इंच की लेंगे तब आपका जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो होगा। तो इस प्लांट को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसके मेरे पास दो प्लांट है, एक ये वाला प्लांट है, अभी मैं इसकी एक और वैरायटी है मेरे पास, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस ये वाला प्लांट है, इसकी जो पत्तियाँ हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये भी बहुत सारी वैरायटी में आपको मिल जाएगा नर्सरी में, इसकी छोटी छोटी लीव्स वाले भी प्लांट आते हैं और अलग अलग लीव्स में भी इसके बहुत सारे प्लांट आते हैं, आप इसे ग्रो कर सकते हैं। ये जो प्लांट है ये मुझे 100 रुपीज़ में नर्सरी में मिला था, तो इस प्लांट को भी आप चाहें तो अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा क्रोटन का प्लांट। क्रोटन जो होता है वो लीव्स वाले प्लांट में सबसे बेस्ट प्लांट होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको कलर भी मिल जाएंगे, कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे और बहुत सारे अलग अलग लीफ वाले प्लांट भी मिल जाएंगे। तो मेरे पास भी कुछ हैं क्रोटन के प्लांट, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें किस किस तरह के लीव्स वाले प्लांट आते हैं। तो देखिए ये वाला एक भी प्लांट है और ये देखिए एक क्रोटन का ये वाला प्लांट है जिसमें थोड़ी सी बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं और इसमें भी अलग अलग कलर की लीव्स हैं। तो जो नई पत्तियां निकलती हैं उनका कलर अलग होता है, जो पत्तियां हैं वो थोड़ी थोड़ी सी जब पुरानी होती जाती हैं तो उनका कलर जो है वो चेंज होता जाता है। तो अगर आप पसंद करते हैं लीफ वाली पत्तियां तो इसे भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रबर प्लांट। रबर प्लांट भी लीफ वाली पत्तियाँ हैं, इसमें सिर्फ लीव्स निकलती हैं और ये वाला जो प्लांट है इसे भी आप कटिंग से ईजिली ग्रो कर सकते हैं। जो रबर प्लांट होता है इसके भी कम से कम 4 इसकी वैरायटी वाले इसके प्लांट मिलते हैं, इसमें जो लीव्स होती हैं वो अलग अलग कलर की होती हैं। तो मेरे पास ये
थोड़ी सी डार्क ग्रीन कलर की जो आती है लीफ, ये वाला प्लांट है। और इस प्लांट को जब हम सेडी एरिया में रखते हैं तब इसकी लीफ थोड़ी सी ग्रीन लगती है, और हल्का सा जब हम इसे फुल सनलाइट में रख देंगे तब ये प्लांट की जो लीफ है वो अलग हो जाती है। नेक्स्ट है फर्न का प्लांट। फर्न भी जो है ये पत्तियों वाला पौधा है और ये सेपरेट करके ग्रो होता है, मतलब इसके साथ में छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं जिन्हें आप सेपरेट करके ईजिली ग्रो कर सकते हैं। फर्न जो है ये सेडी एरिया का प्लांट है, आप इसे सनलाइट में रखेंगे ये तो इसकी जो लीव्स है ना बहुत ही जल्दी बर्न होने लगती है। ये देखिए मेरे पास फर्न की एक छोटी एक और वेराइटी है, इसको मैंने हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है, बट इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं है। लेकिन ये प्लांट जो है वो थोड़ा सा सेडी एरिया में रखने पर इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है कैलेसिया रिपेंस का प्लांट। ये भी पत्तियों वाला पौधा है, इसे भी थोड़ा सा सेडी एरिया में ही रखा जाता है। ऐसे फुल सनलाइट में रखने पर ये प्लांट जो है बहुत ही जल्दी ड्राई होने लगता है। हल्का सा सेडी एरिया में रखेंगे जहाँ पर थोड़ी बहुत धूप मिले तब इसमें बहुत ही अच्छे से इसकी लीव्स जो है वो ग्रो होती है। छोटी छोटी कटिंग से ये प्लांट भी बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है। ये मैंने बोनसाई बोर्ड पॉट में लगा रखा है, आप देख सकते हैं ये पॉट को पूरा तरह अच्छे से कवर कर लिया है। तो छोटी छोटी इसकी कटिंग जो है उसको लीजिए, मिट्टी पर बस रख दीजिए, कुछ टाइम के बाद ये प्लांट तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट ये है ड्रेसिना का प्लांट। ड्रेसिना की भी बहुत सारी वैरायटीज आती हैं जिसमें से एक ये प्लांट है। देखिए इसकी जो लीव्स है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। ये भी कटिंग से इजली ग्रो हो जाता है, बस ऊपर से आप इसकी 4-5 इंच की कटिंग ले लीजिए और उसको मिट्टी में दबा दीजिए, कुछ टाइम के बाद इसका जो प्लांट है वो तैयार हो जाएगा और जहाँ से आपने इसकी कटिंग ली है ना वहाँ पर भी बहुत सारे ब्रांचेस निकलने लगेंगे। तो ये भी प्लांट जो ईजली ग्रो हो जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट ये है एस्पेरिगस ग्रास का प्लांट। आप इसे सेपरेट करके ग्रो कर सकते हैं और इसे पॉट में हम मैंने इस तरह से लगा रखा है, या फिर इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा देंगे तो भी ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इस प्लांट को भी आप सेपरेट करके ईजिली ही ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइलोडेंड्रॉन का प्लांट। ये सेपरेट करके ग्रो होता है, मतलब साथ में इसके छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं जिन्हें आप सेपरेट करके ग्रो कर सकते हैं। ये भी लीफ वाला प्लांट है, थोड़ा सा सेडी एरिया पसंद करता है। फुल सनलाइट में आपको इसको नहीं रखना है, आप इसे थोड़ा सा सेडी एरिया में रखिए जहाँ पर मॉर्निंग की थोड़ी बहुत धूप है तब इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। और इसकी जो मिट्टी होती है ना उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर जब बना रहता है तब ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है डेविल्स बैकबोन। डेविल्स बैकबोन की बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं और ये ईजिली कटिंग से ग्रो हो जाता है। छोटी छोटी इसकी जो कटिंग है आप उसे लीजिए और आप उसे ग्रो कर सकते हैं। एक मेरे पास ये वाली भी वैरायटी है, इसकी लीव्स जो हैं जब उसे थोड़ी सी सनलाइट में रखते हैं तब इसमें थोड़ा सा लाल कलर की इसकी जो पत्तियां हैं वो हो जाती हैं। तो डेविल्स बैकबोन के भी जितने प्लांट्स आते हैं ना उनकी जो पत्तियां होती हैं उसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगा जब उस पर सनलाइट पड़ती है। तो एक ये वाला भी मेरे पास डेविल्स बैकबोन है, आप देख सकते हैं इसकी जो पत्तियां हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। और ये भी जब सनलाइट में या जब थोड़ी सी विंटर आएगा ना उस समय आप देखेंगे इसकी जो पत्तियां होती हैं वो थोड़ी सी रेड हो जाती है, लेकिन जब पूरा अच्छे से विंटर आ जाता है तब इस ये जो प्लांट थोड़ा सा हमारा डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन फिर इसमें थोड़ी थोड़ी सी लीफ निकलने लगती है। नेक्स्ट है सफरेला का प्लांट। सफरेला का जो प्लांट है ये इस समय जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है तब इसकी जो लीव्स हैं वो नई नई निकलती हैं, न्यू न्यू ब्रांचेस निकलती हैं और ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है। समर में ये प्लांट थोड़ा सा इसकी लीव्स जो है बर्न होने लगती हैं, लेकिन इस समय रेनी सीजन में ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है और ये कटिंग से इजली ग्रो हो जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है लैला मजनू का प्लांट। इसका जो प्लांट है ये बहुत ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगता है। इसकी पत्तियाँ देखिए नीचे से लाल होती हैं और ऊपर से इस तरह से इसमें वेरिएशन रहता है। ये भी प्लांट छोटी छोटी कटिंग से ईजली ग्रो हो जाता है। छोटी कटिंग लेने का मतलब है कम से कम 4-5 इंच की कटिंग, उससे जो छोटी कटिंग होती है वो अच्छे से ग्रो नहीं होती है। तो इस प्लांट को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और ये प्लांट देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट। आप देखिए इसकी जो पत्तियां वो भी कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, बस आप इसकी ऊपर से कटिंग लीजिए और इसकी कटिंग को मिट्टी में कहीं भी दबा देंगे तो ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। इसकी जो कटिंग है वो पानी में और मिट्टी में दोनों ही में बहुत ही अच्छे से ग्रो होती है। पानी में भी इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा मिलता है। मैंने इसको पानी में और मिट्टी में दोनों में ही ग्रो किया है, आप चाहें तो इसका वीडियो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो ये प्लांट बहुत ही ईजिली ग्रो भी हो जाता है और बहुत जल्दी बुशी हो जाता है और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इस प्लांट को भी आपको थोड़ा सा एरिया में रखना है, फुल सनलाइट में नहीं रखना है। नेक्स्ट है अगेव का प्लांट। अगेव की भी कुछ वैरायटीज़ आती हैं। एक तो देसी वैरायटी है जिसमें जो पत्तियां हैं वो पूरी ग्रीन कलर की होती हैं, लेकिन ये वाली वेरीगेटेड जो वैरायटी आती है इसमें देखिए साइड में जो पत्तियां हैं उसमें थोड़ा थोड़ा वेरीगेशन है। इस प्लांट को आप इसके बेबी प्लांट से ग्रो करेंगे, देखिए साइड में इसके छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं, इनसे ये बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है और बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। आप इसको लगाएंगे 2-3 महीने में ही आप देखेंगे इसके बहुत इसका ये जो प्लांट है ना बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है ये है हमारा
मिंट लीफ का प्लांट। इसकी जो पत्तियाँ हैं वो देखने में मिंट की तरह लगती हैं, लेकिन ये पुदीना का जो पौधा होता है वो नहीं है। इस प्लांट को आप छोटी छोटी कटिंग से ग्रो कर सकती है। देखिए इसको भी मैंने इसकी कटिंग थोड़ी सी इधर लगा दी थी और देखिए ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गया। तो इस प्लांट को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए ये ड्रेसिना का, ये रेड ड्रेसिना प्लांट है, ये भी कटिंग से ग्रो हो जाता है और इसको शुभ प्लांट भी माना जाता है क्योंकि ये प्लांट फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। आप इसे कहीं भी लगा देंगे ना तो ये बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगा। कटिंग से ग्रो करिए, साथ में इसके छोटे छोटे से ये बेबी प्लांट्स भी निकलते रहते हैं, उन्हें भी सेपरेट करके ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स मेरे पास मॉन्स्टेरा का एक और प्लांट है, इसकी जो पत्तियाँ हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो मॉन्स्टेरा की बहुत सारी वैरायटीज आपको नर्सरी में मिल जाएंगी, आप कोई भी इस ग्रो कर सकते हैं और इसको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए। मैंने इसको 12 इंच के पॉट में लगा रखा है और ये अच्छे से ग्रो भी हो रहा है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है ये है फाउंटेन ड्रेसिना का प्लांट। ये आपको देखने में फाउंटेन की तरह लगेगा, जिस तरह से फाउंटेन ऊपर की ओर बढ़ता जाता है बस उसी तरह से ये प्लांट जो है वो ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, इसलिए इसे फाउंटेन ड्रेसिना प्लांट कहते हैं। और इस प्लांट को कटिंग से ग्रो किया जा सकता होगा पता नहीं, लेकिन मैंने इसको कभी भी ग्रो नहीं किया है, बस मेरे पास इसका एक ही प्लांट है और ये बहुत अच्छे से ग्रो भी हो रहा है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है पाम ट्री। जितने भी पाम ट्रीज होते हैं सभी को आप सेपरेट करके ग्रो करेंगे, मतलब उसके बगल में छोटे छोटे से उसके बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, उन्हें आप सेपरेट करके ग्रो कर सकते हैं। तो मेरे पास पाम ट्री ये वाला है और भी इसकी वैरायटीज़ हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स एक ये वाला मेरे पास पाम ट्री है और एक चाइना पाम का भी ट्री है। फ्रेंड्स नेक्स्ट मेरे पास ये वाला एक पत्तियों वाला पौधा है, मुझे इस प्लांट का नाम नहीं पता है लेकिन ये एक हेज प्लांट है और इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। इस प्लांट को जब मैंने इस तरह से सेडिया में एरिया में रखा है तब इसकी लीव्स जो है वो सिर्फ ग्रीन कलर के, लेकिन जब हम इसे थोड़ा सा सनलाइट में रखते हैं तब इसकी जो लीव्स है ना वो थोड़ी सी रेड कलर में हो जाती हैं और वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं। तो इस प्लांट को भी आप चाहें तो ग्रो कर सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है मदर ऑफ थाउजेंड का प्लांट। मदर ऑफ थाउजेंड का जो प्लांट होता है ये भी सिर्फ पत्तियों वाला पौधा है और ये एक एक पत्ती से और साथ ही साथ जो इसमें छोटे छोटे से पत्तियों के ऊपर बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं उनसे भी ईजिली ही ग्रो हो जाते हैं। तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट है फाइकस का प्लांट। फाइकस में भी बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। मेरे पास ये वाला फाइकस का प्लांट है, इसको भी कटिंग से ईजिली ही ग्रो किया जा सकता है, बट मैंने कभी इसे कटिंग से ग्रो करके नहीं देखा है। ये प्लांट जो है ये कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है, नर्सरी वाले ने मुझे बताया था। तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं अगर आपको पत्तियों वाला पौधा पसंद है, क्योंकि ये वायु को शुद्ध भी करता है और आप इसे अपने घर में ऐड कर लेंगे तो आपको ये फ्रेश एयर भी मिलेगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट है सकुलेंट। जितने भी सकुलेंट्स होते हैं वो लीफ वाले ही होते हैं, अधिकतर कुछ में ही जो होते हैं फ्लावर्स निकलते हैं, ये सिंगल सिंगल लीफ से ईजिली ही ग्रो भी हो जाते हैं। तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरे गार्डन में जितने भी पत्तियों वाले पौधे थे उनके मैंने आपको नाम बता दिए, इनमें से जो आपको पसंद हो वो आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।